रंग इंसानियत की दुश्मन है। आ जंग ही दुश्मन तमद्दुन है, जंग है आग जो जलाती है, जंग है मौत जो मिटाती है। तमाश्क है दुश्मन निगाह का, दिल्ली जो तख्त तमाश्क है दुश्मन निगाह का, तख्त तमाश्क है दुश्मन निगाह का। और जिले सुभानी ने फरमाया था कि सरदार बंगश से कहो कि वो जल्द जल्द पूरब की मुहिम सर करें, लुटेरों ने राया को परेशान कर रखा है। और पंजाब की तरफ से जो लुटेरों का काफिला तेजी से बढ़ता चला आ रहा है उसका क्या होगा? वो मुहिम सरकार ने बुरहान मुल्क के सफरत की है, क्योंकि हजूर वाला तहजीब और तबद्दन की हिफाजत चाहते हैं। वो अमन पसंद है, जंग नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी जंग भी जरूरी होती है। हजूर वाला फरमाते हैं अमन बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। बेशक अमन बहाल रखना अजहद जरूरी है, लेकिन हर अमन पसंद आदमी को चाहिए कि खतरे के मुकाबले के लिए तैयार रहे। सरफराज, तहजीब और तमद्दन की हिफाजत गीतों की तानों में नहीं, पायल की झनकार में नहीं, वो तलवारों के साए और तोपों की गड़गड़ाहट में होती है। कबूल करने की बजाय वो लोग मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अलीजा, जला दो, खाक कर दो, जो भी हमारे मुकाबले में सामने आए उन्हें खत्म कर दो। हमने आग से खेलना सीखा है, तूफानी मौजों को अपना दोस्त समझा है। अली अकबर, हमने शिकस्त नहीं देखी, हम फतह चाहते हैं। काबुल और कंधार पर नादरी झंडा लहराता हुआ देखना चाहते हैं। जो हुक्म अलीजा। अली अकबर, हिंदुस्तान से कोई खबर आई? अलीजा, वलीहद नसरुल्लाह का पैगाम है, सिंध तक रास्ता साफ। तो फिर कूच की तैयारियां की जाए। जो हुक्म अलीजा। आतिशे इश्क जी जलाती है, ये बला जान ही पर जाती है। अब खबर ले कि हर घड़ी हमको ये जुदाई बहुत तड़पाती है। ऐसी सुहानी सुबह और ये नाउम्मीदी, बानो कुछ हुक्म। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा जो कुछ आरजू करे। हाय अल्लाह, आलमगीर की पोती और ये अंदाजे बयां। अंदाज वही समझे मेरी आह का, जख्मी जो हो चुका हो किसी की निगाह का। सितम है सुबह का आलम, कहाँ हो आ
अब तो आ जाओ, सितारे बन गए शबनम, सितारे बन गए शबनम, कहाँ हो अब तो आ जाओ। सहर क्या शाम क्या दीवाना तेरा, बार बार आया, निगाहें नाज इधर तो देख तेरा, बेकरार आया। शबनम वो आ गए। कौन बानो? वो परदेसी, मेरा खोया हुआ नगमा। रबाब बज रहा है, वो अभी यही होगा। तुम इधर होशियारी से ख्याल रखना, और तुम इधर जाओ और देखो तुम उधर का ख्याल रखना। रबाब बंद हुआ, वो देखो कोई आ रहा है। होशियार, तुम लोग पीछे हो जाओ। पर्दी, तुम्हें देखने के लिए आंखें बेकरार क्यों रहती हैं? दिल की धड़कनों से इन्हें लगाव जो है। लेकिन परदेसी से वफा की उम्मीद? ना उम्मीदी क्यों, तुझ में जो बात है गुलशन के नजारों में नहीं, तुझसा रंगीन कोई फूल बहारों में नहीं। शहजादी साहिबा, शाही हुक्म के मुताबिक हमें इस बात की तलाशी लेनी है। शबनम, इनसे वजह मालूम करो। हमें पता चला है कि यहाँ सल्तनत के दुश्मन छुपे हुए हैं। शबनम, इनसे कह दो इन्हें गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई भी नहीं। किसका है? मेरा है, जी हाँ मेरा है। Thank you.
हम चराग नहीं दिल जलाए बैठे हैं। अफसाने छलक रहे हैं यहाँ रंग बू के पैमाने। निजाम मुल्क के साथ नादिर शाह वाली ईरान का कासिद भी। कासिद? और इस वक्त वाली जा निगाह रूबरू खुदा बंद नहमत जिल्ले इलाही अबू फतेह नासिर उद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह शहनशाह हिंद मुजरा करो अदब से जहां अपना बादशाह सलामत। इस बेवक्त के रात को शराब की गहराई में खो जाने दो। आलम पना निजामुल मुल्क, तुमने जश्न महताब को दरबारे हम समझा? जान की अमान आलम पना, फातह ईरान नादिर शाह का खरीदा और बुरहानुल मुल्क आसिफ जा बहादुर को दरबारे आम और जश्न महताब का फर्क समझा दो। आलम पना शाह ईरान के पास पहुंचवा दो। बेहतर। और सुनो, शहजादे इस वक्त कहां हैं? होंगे शहजादी सबिया के इश्क में गुम। क्या मतलब?
गुम? यानी मालूम नहीं। अच्छा, कल कोटला फिरोज शाह में। बेहतर। खरीता, खरीता? कैसे खरीता? वो जो उन्होंने दिया था, गिर गया ना? कहाँ? यहीं कहीं, गिनवा दो ना। गुफ्तगु हाकिमों का नहीं, बुजुर्गों का नहीं, गद्दारों का भी नहीं। मतलब? अपने को गिरफ्तार समझो। वजह? हुकूमत के खिलाफ साजिश। झूठ है, इल्जाम है। इसका फैसला आला हजरत फरमाएंगे। लेकिन तशरीफ लाइए। अमान अली जा। क्या चाहते हो? हुक्म। कैसा हुक्म? जी अली जा, उन गद्दारों के लिए जिन्होंने दुश्मन हिंद नादर शाह को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। कौन है वो नमक हराम? एक पर काबू पाया है। पेश करो। हाजिर है अली जा। लड़की, तुम्हें जर्रे से आफताब बनाया गया इसलिए कि तुम तहजीब तमद्दुन की रोशनी से दिल्ली वालों के दिल रोशन करो, न कि इसलिए कि तुम लालच में हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश करो। नहीं नहीं, ये खरीदा मैंने पढ़ा पाया है। मैं बेगुनाह हूँ अलीजा, बेगुनाह हूँ। अगर तुम्हारा दामन गुनाह से पाक होगा, रिहाई मिलेगी। फिलहाल कैद तन्हाई। में अब्बा हुजूर का दिल्ली आना जरूरी नहीं। आप सियासत से नावाकिफ हैं साहिब आलम। शाह का दिल्ली आना जरूरी है, लेकिन शाह की आमद जंग की आमद है, जो अमन पसंद शहरियों के लिए खतरनाक है। लेकिन हिंदुस्तान की अनजान राहें, दुश्वार घाटियां। ये नक्शा भिजवा दीजिए। नक्शा? साहिब आलम, खुदा हाफिज। आओ मर मुल्क का दुश्मन, मुझे
मुझे इससे सख्त नफरत है। लेकिन वो हमारा दोस्त है, हम ख्वार है। जो अपने कौम और मुल्क का तरफदार नहीं वो किसी का दोस्त नहीं। जी हजूरे वाला, दिल्ली से कोई हुक्मनामा आया? जी नहीं, कोई हुक्मनामा नहीं आया। लेकिन हमें खबर मिली है कि नादिर शाह पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। खबर सही है। काश मुझे हुक्म मिला होता तो मैं हिंदुस्तान की सरहद पर ही शाह ईरान का इस्तकबाल करता। बुरहान अल मुल्क तो एक समझदार, आप हुक्म दें तो मैं दिल्ली चला जाऊं। नहीं, अभी इंतजार करो, शायद हजूर वाला को हम नमकखारों की याद आ जाए। आली जा, नादरी सिपाही हिंदुस्तान की सरहद पर कत्ल खून का तमाशा कर रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए कि हम भी। हमें जंग से नफरत है। हर अक्लमंद जंग से नफरत करता है जहां पना, लेकिन जब खूनी भेड़िया घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो उस वक्त। नादिर शाह इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त काबुल कंदहार में अपनी हैवानियत का मुजाहिरा कर रहा है। वो जंग के देवता की तरह इंसानी खून से अपनी प्यास बुझा रहा है। वो अमन की हस्ती मिटाता हुआ बढ़ा चला रहा है।
دشمن پر رحم فرما کر اسے بھاگ جانے کا موقع دیا وہ سلطنت کا دشمن ہے وہ سلطنت کا دشمن ہے وہ سلطنت کا دشمن ہے سبیہ تم اتنی اداس کیوں ہو گئی ہو دل اور دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی دل کو ہارنا ہوگا میں ہندوستان کے دشمن کو چاہ کے بھی دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو آپ کو یقین ہے کہ میں ہندوستان دشمن لیکن وہ کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو جھوٹا کیسے سمجھوں آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے میٹھی میٹھی باتوں سے ایک نازک دل پر قبضہ کر کے اس کی امیدوں اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے یہ غلط بیانی ہے نہ میں ہندوستان کا دشمن ہوں نہ میں نے آپ کے آرزوؤں کا خون کیا ہے میں نے آپ سے محبت کی ہے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن آپ ایک پردیسی ہیں آپ کی زبان کا ایک بات اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو مجھے جلد چلا جانا چاہیے الوداع ہیلو پردیسی سچ کہیے کیا آپ ہندوستان کے دشمن نہیں نہیں میں ہندوستان کا دوست ہوں تو پھر ہم بھاگ کیوں گئے نادر صاحبہ بانو خسم ہو گیا بانو بھاگ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے یہ کس کی شرارت ہے یہ تو معلوم نہیں آدمی ہے وہ بھی ہتھیاروں سے لبریز فکر نہ کرو شبنم تم رباب بجاؤ تو میں آرام سے جا سکوں گا الوداع الوداع دلی کی فوجیں سرحد کی طرف کوچ کر رہی ہیں ہمیں امید تھی آپ کو امید تھی ہاں برہان الملک سلجھے ہوئے بزرگ ہیں لیکن فتح ہماری ہوگی عشق اور جنگ کی بابت اندازہ خود فریبی ہے بے شک آپ اس وقت یہ شاہ ایران کی مدد کا وقت ہے شاہ ایران کمزور نہیں ہندوستانی سپاہ بھی مردہ دل نہیں سرحدوں کی ناکہ بندی ہو رہی ہے صاحب عالم اگر یہ خط شاہ تک نہ پہنچا تو شاہ کی عزت کو خطرہ ہو سکتا ہے خط ابھی روانہ کر دیا جائے گا تو پھر پنجاب کیا دلی تک کا راستہ صاف ہے شب بخیر شب بخیر قسم ہے اگر میں شاہ ایران ہوتا تو پہلے اس غدار کے خون سے تلوار رکھتا علی جا پنجاب سے جو خبر آئی ہے وہ قابل غور ہے ہاں ہم نے سنا ہے نادر شاہ نے حملہ کر دیا ہے جان کی امان عالم پناہ یہ خبر بے بنیاد ہے اگر غلط ہے تو چرچا کیوں ہے اصلیت کیا ہے عالم پناہ کچھ خطرناک قبائلی ہماری سرحد میں گھس آئے تھے شاہ ایران نے انہیں گرفتار کر لیا ہے ہماری سپاہ سے جنگ بھی ہوئی ہے علی جا سرحدی علاقوں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں عالم پناہ حضور انور نادر شاہ کا ارادہ نیک نہیں اگر شاہ ایران نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تو سلطنت کے لیے خطرہ ہو جائے گا عالم پناہ ہم ہندوستانی کمزور نہیں امن پسند ہیں امن پسندی ہندوستان کی شان ہے اس لیے بجائے جنگ کے شاہ ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے حملہ آور کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا جائز نہیں اور جنگ جائز ہے عالم بنا جنگ نام ہے خون خرابے کا جنگ نام ہے بربادی کا جنگ نام ہے بیواؤں کی چیخ و پکار کا ہم جنگ پسند نہیں ہیں علی جا ہندوستانیوں نے حملہ آوروں کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا مٹنا اور مٹانا سیکھا ہے لیکن مغلوں نے مٹانا نہیں سجانا سیکھا ہے عالم پناہ اکبر اعظم نے ایکتا قائم کی جہانگیر نے انصاف کا ڈنکا بجایا شاہجہاں نے پتھر کا دل تراش کر ایوان کھڑے کیے اور شہنشاہ عالمگیر نے مذہبی نور سے انسان کا دل روشن کیا تو کیا حضور اعلیٰ جنگ کی آگ سے سب کچھ مٹانا چاہتے ہیں ہم تہذیب و تمدن کو برباد نہیں ہونے دیں گے تو اعلیٰ حضرت امن کے اس فرمان پر مہر سب فرمائے اور اعلان فرمائے کہ جنگ نہیں ہوگی مادو دولہ اعلان ہو کہ جنگ نہیں ہوگی علی جا بندہ بھرور
बंदा परवर, क्या खबर लाए? हाकिम पंजाब का ये खरीदा। नागरी फौजें लाहौर की तरफ बढ़ रही हैं। हमें यही डर था। शाम अगर इस कहर को न रोका गया तो नादरी झंडा लाहौर के किले पर होगा। काश हिंदुस्तान पर मंडराते हुए जंग के ये बादल मेघ मल्हार के बादल बनकर हमारे दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। मुजरा करो अदब से, जहां करा बादशाह सलामत। एतमादुद्दौला, क्या माँ बदौलत को आराम करने का भी हक नहीं है? जान की अमान आली जा, वक्त की नजाकत कदम बोसी के लिए खींच लाई। क्या चाहते हो? जो एक नमकखार आका से चाहता है। यानी पास से अदब है आली जा। हमें साफ गोई पसंद है। तो हुजूर गुलाम ये कहते हुए नहीं हिचकिचाता कि जिस अमन पसंदी में तहजीब और तमद्दुम के फलने फूलने की उम्मीद थी, उस अमन पसंदी की आड़ में एक सालिम नादर शाह गरीब और बेकस रियाया का खून बहा रहा। मुजरा करो अदब से, जहां परा बादशाह सलामत। आलम बना। हमें इत्तला मिली है कि नादिर शाह लाहौर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आला हजरत, आप खुद रोशन दिमाग हैं, लेकिन खाकसार की राय में ये जंग मौजू नहीं। दुश्मन से दोस्ती भी मौजू नहीं। गुस्ताखी माफ आली जा, निजामुल मुल्क आसिफ जा बहादुर की रगे हमीयत सोने और चांदी के बदले खरीदी जा चुकी है। आलम पनाह, ये मेरी तोहीन है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आली जा, निजामुल मुल्क आसिफ जा बहादुर दो लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो उनके अपने ख्याल में गलत हैं, तो फिर ख्याल फरमाएं हुजूर कि हिंदुस्तान वाले अपनी तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि हुकूमत की तौहीन सारे हिंदुस्तान की तौहीन है। और हिंदी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे से लेके बूढ़े तक सर कटाने के लिए आमादा, लेकिन सियासी निगाह में ये सब इज्जत की मौत गुलामी की जिंदगी से बेहतर है। आली जा, निजामुल मुल्क आलम बना। बुरहानुल मुल्क से हमें इत्तेफाक है, तुम्हें भी जंग में शरीक होना है। जो हुक्म आलम बना। एतमादुद्दौला, फरमान जंग जारी हो। उदास क्यों होता है? हम जा रहे हैं। कहाँ? किले में। किले में? इसके माने हैं जुदाई। लेकिन तुमसे जुदाई, ओ खुदा। इन आंखों से मोती ना लुटाओ पाना। आतिशे इश्क जिसका ईमान है, ऐसी शम्मा पे परवान कुर्बान है। मैं मानती हूँ तुम मैदान मोहब्बत में साबित कदम रहोगे, लेकिन फलक की मोहब्बत पर टेढ़ी निगाह है, ये क्यों? क्या मोहब्बत करना गुनाह है? नहीं बानो, मोहब्बत में पिन्हा है साया खुदा का, मोहब्बत असल में है पाया खुदा का। पर्दे से बानो, भूल जाओ ये सब, नूरे उल्फत से नजर भरने दो, फलक जो चाहे उसे करने दो, मंजिले इश्क की राह बढ़ते चलो। या खुदा, घबराओ नहीं पाना, मैं इनकी तलवार का पानी देखता हूं।
बानो, शहंशाह जालिम नहीं, रहम दिल है। मैं किले जा रही हूँ, शबनम भी इतमाद उद्दौला के पास गई है। तुम्हें नादरी जासूस पकड़ा है? जी हाँ जिल्ले सुभानी, मुलजिम नादरी जासूस ही नहीं, फरजंद नादिर है। फरजंद नादिर? सबूत? हाजिर है। अगर इजाजत हो तो किले से इस नापाक हस्ती को हमेशा के लिए पाक कर दिया जाए। इस हालत में तखलिया कैदी नंबर 44 और 45 वाजे हो बाएं बस, जुर्म खतरनाक, तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज हुई है। सजाए मौत? सजाए मौत नहीं नहीं, ये जुल्म है। मोहब्बत इतना बड़ा गुनाह नहीं। मैं भी हुजूर आला के पास जाऊंगी और कहूंगी, खुदाबंद, परदेसी का कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है, मेरे दिल का है। लेकिन बानो, वो हिंद का दुश्मन है, हुकूमत कर ना, तुम्हें किसी ने बहका दिया है। वो तो एक भोला भाला जज्बाती इंसान है, तुम तो जानती हो ना बानो। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो फरजिंदे नादिर है। फरजिंदे नादिर? हाँ, सुबूत इन आंखों ने देखे। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जाऊंगी और उसे जरूर रिहाई दिलवाऊंगी। अपने वतन के दुश्मन को रिहाई दिलाओगी? कौन वो? वो दुश्मन नहीं, दर्द है, मेरा मालिक है। वो फर्जंद नादिर, वो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने आया है, उसकी निगाह में तू खिलौना है। मैं खिलौना? बकवास, वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो तेरे जज्बात से खेल रहा है, वो नादिर से भी बढ़कर नादिर इंसान का खून बहाता है। ये नाजुक दिल नहीं छोड़ता है, ये बुखार है, जालिम है, हिंद का दुश्मन, हुकूमत का दुश्मन, मोहब्बत का दुश्मन। Thank you.
ذل الہی کے حکم کا مطلب غلط لگایا گیا جہاں اپنا اپنا بڑاپن بتانے کے لیے کسی کی جان لینا گناہ عظیم سمجھتے ہیں سزائے موت منسوخ بانو 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 حضور نے پردیسی کی جان بخش دی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ریحان ریحان نے مجھے ان سے ملنا ہے صرف ایک بار لیکن بانو کامیابی ناکامیابی اللہ جانے میں نے جو پایا وہ کھونے کے لیے تیار نہیں جیل کیا میں تو دوزخ جانے کے لیے تیار ہوں وہ کون اختر رقاصہ برہان الملک نے نادری جاسوس بنایا شاہ نے نظر بند کر دیا بلا ثبوت ثبوت دیا گیا لیکن جھوٹا تھا اب اس کی فریاد شاہ تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہم حضور سے سفارش کریں گے بے شک انصاف کا یہی تقاضا ہے ہم اختر کو رہا کرتے ہیں حضور نے مجھ ناچیز کی حوصلہ افزائی فرمائی مگر صابیہ رہا ہونے کے بعد وہ قلعے میں نہیں رہ سکتی علی اکبر علی جا مخبر پیش کرو بیان کرو علی جا دو لاکھ فوج دو لاکھ مخبر خاص کیا کہتا ہے اگر برہان الملک پر قابو پا لیا جائے تو فتح یقینی ہے اور جنگ میں ان کا مقام دائنی طرف سواری ہاتھی اور اور جنگ کا یہ نقشہ اب تم جا سکتے ہو ہارا ہوا سپاہی جنگی قیدی ہم تمہاری بہادری کے قائل ہوئے تم آزاد ہو آزاد مگر کیوں آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں تم مہربانی کو ظلم کہتے ہو بے شک وطن کی چاہ میں مٹنے والے سپاہی سے شہید ہونے کا حق چھیننا ظلم ہے خوب کہا
लेकिन तुम्हारा वतन हिंदुस्तान नहीं है, तुम नेशापुरी हो। मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर पला बड़ा परवान चढ़ा, जिसकी मट्टी में मेरे अजीज व अकारिब दफन है, जिसका नमक मेरी रग रग में सरायत कर चुका है, वो हिंदुस्तान ही मेरा वतन है। मैं नमक हार हूँ, नमक हराम नहीं। हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए, वाकई तुम बहादुर आदमी, हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, क्या तुम पसंद करोगे? शाही ईरान? एतराज है? नहीं, मैं सोचता हूँ क्या मैं इस दोस्ती के काबिल हूँ। हर वो इंसान जो वतन परस्त है हमारा दोस्त है, और हर ईमान फरोश हमारा दुश्मन। अकीदतमंद हुआ अली जा, आइए। जख्म भर चुका है जहां पना, और जंग सुलह में तब्दील हो चुकी है आली जा। किस शर्त पर? तावानी जंग। तो इसका मतलब है हमारा लश्कर नाकारा है? नहीं आलम बना, हिंदुस्तानी सिपाही वफादारी और बहादुरी का नमूना है। फिर तावानी जंग क्यों? हमारे जंगीराव दुश्मन को बता दिए गए आली जा। वहां यह बेजा हरकत किसने की? आपस की दुश्मनी, जलन और मतलब परस्ती ने गुजराला। तावाने जंग क्या है? 2 करोड़ रुपए, 50 घोड़े, 1 हाथी और 100 लौंडी गुलाम। क्या यह हमारी तौहीन नहीं? जब घर का भेदी दुश्मन से मिल जाए अली जा, तो फतह नामुमकिन है, और ऐसी सूरत में लाखों इंसानों की जाने बचाने के लिए सुलह लाजमी थी। मुझे भी इनकी राय से इत्तफाक है आलम पना। सुलहनामा तैयार किया जाए और फर्जंद नादिर को आजाद किया जाए। अब दिल्ली रहना खतरनाक है, हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। तावाने जंग पाने के बाद हजूर लौट जाएंगे, इसलिए हमारा जाना भी जरूरी है। हाँ जरूरी तो है। पति जी, आप? जी। जाने वाले सलाम करते हैं, गैर बनकर सलाम करते हैं, क्या कहें अब कहा नहीं जाता, दिल कहे रहा नहीं जाता। लुट गया दिल तो राहे उल्फत में, अब मुलाकात होगी जन्नत में। मेरी छोटी सी हदे उल्फत है, मेरी मासूम सी मोहब्बत है, छोड़ सकता नहीं मैं दिल्ली को, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तो आप दिल्ली से नहीं जा रहे? और बात की खबर है कि दिल्ली के सिपाह ने हमारे जासूसों की क्यामगाह पर छापा मारा। तो क्या वो लोग गिरफ्तार हो गए? नहीं आलीजा, क्यामगाह पर कोई ना था। उनका कोई पता निशान? कोशिश जारी है आलीजा। जाओ मुखबिर खास से कह दो, अगर 3 दिन तक हमारे आदमियों का पता ना चला तो हम दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो हुक्म आली जा। अली अकबर, मुगल बादशाह हमें धोखा देना चाहते हैं, वो तावाने जंग नहीं देंगे। दरबार हिंद की तरफ से 2 करोड़ रुपया नकद, 1 हाथी, 50 घोड़े, 50 लौंडियां और 100 गुलाम।
جرت حکم خدا کی مخالفت گستاخ مغل لڑکی میں ہندی ہوں خنجر پھینک دے ورنہ اگر میری عزت پر حملہ کیا تو یہاں ایک لاش تڑپے گی علی اکبر یہ خنجر ہمیں دے یہ عزت و ایمان کا محافظ ہے ہم عزت و ایمان کی حفاظت کریں گے لا دکھ لیا تیرا یہ خنجر آبدار ہے ہندی ہے ایرانی جملے کا وزن میں نے محسوس نہیں کیا جانتی ہے تجھے یہاں کس لیے بلایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ موت کا حکم سنانے کے لیے بے باک گستاخ تجھے زندگی کی چاہ نہیں بے عزتی کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے خوب کہا تو رقاصہ ہے زندگی رقص کا دوسرا نام جو ہے رقص تو عیاشی ہے اپنے لیے زندہ رہنا بھی عیاشی سے کم نہیں ہمیں فلسفے سے سخت نفرت ہے نفرت کے سائے میں محبت پنپتی ہے اس لیے محبت فرض کے لیے زہر ہے محبت اور فرض کے میل سے امن و سکون کے گل بوٹے کھلتے ہیں امن و سکون بزدلی پر ملمع ہے ٹھونگ ہے طوفانی زندگی ناپائیدار ہے حسین بے باک گستاخ اگر ہم تیرے گلے میں پھندا ڈال دیں حق کی آواز پھر بھی بلند ہوگی کیا تو ہماری قربت پسند کرے گی آلی جا تو ہمارے ساتھ رہنا پسند کرے گی اگر عزت کا درجہ میسر ہو تو پھر ہم تجھے صدا دیتے ہیں کہ تو شہنشاہ کا حکم ماننا ہی پڑے گا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن وہ لڑکی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے لیکن وہ تو بالکل معصوم نظر آتی ہے تو ہندوستانیوں نے معصوم چہرے کی آڑ لے کر شاہ کو بزدل بنانے کی سازش کی ہے جس لڑکی نے آج میرے حقوق چھین لیے ہیں وہ کل اوروں کے حقوق بھی چھین سکتی ہے اگر اس نے حکومت کے معاملات میں دخل دیا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قدم اٹھائے کیوں نہ ہم نادری حکومت کو میں آپ کا مطلب سمجھ گیا تو عالم پناہ برہان الملک کو امیر العمرہ کا خطاب بخش رہے ہیں ہاں حضور تیاریاں مکمل ہیں عالم پناہ کو یقین ہے کہ نادر شاہ تاوان جنگ لے کر واپس لوٹ جائے گا گلے والے یہی کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں انجم نادر شاہ دلی آئے گا نادر شاہ دلی آئے گا نادر دلی ضرور آئے گا لیکن تاوان کا ایک حصہ تو بھیجا جا چکا ہے ہمیں اس کا علم ہے لیکن ہم پھر کہتے ہیں نادر دلی ضرور آئے گا آپ کی پیشن گوئی خطرناک ہے حضور تو کیا ہماری عزت سے کھیلنا خطرناک نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے برہان الملک امیر العمرہ یہ ہماری توہین ہے ہے تو حضور تو پھر بس گلے والوں پر نگاہ رکھو کری نگاہ جو آلی جا دلی سے خاص پیغام نہیں نہیں یہ بیچا ہے ایک بار جو تاوان مقرر ہوا ہو گیا لیکن آلی جا مخبر خاص لیکن علی اکبر ہم مقرر رقم سے زائد نہیں چاہتے وعدہ خلافی ناجائز ہے محبت و جنگ میں سب کچھ جائز ہے آج مغلوں کا جاہو جلال آپ کی تلوار سے زیر ہے اب ہندوستان کی کثیر دولت زر و جواہر ہمارے قدم چومنے کو تیار ہیں اگر حضور غور فرمائیں ہم غور کریں گے رہے ہیں سوچ رہے ہیں آپ کا ہندوستان خوبصورت ملک ہے بلا شک اور دلی ہند کا پایہ ہے تا
آپ سے زیادہ دلکش، ذلت سے زیادہ حسین. اور لال قلعہ نشے منے ذل الہی، باغ ارم کا ایک نازک حصہ جو زمین پر اتر آیا ہے، اور قلعے کے نادرات زر و جواہر، آسمان پر بکھرے ہوئے تارے شاید خزانہ ہند کے ہیرے جواہرات کی برابری نہ کر سکے. تو ملکہ ہم دلی جائیں گے، جلد از جلد دلی جائیں گے. تم نے ہمیں یاد کیا علی جا؟ جدائی کے لمحات برداشت نہ کر سکی. ہم تمہارا مطلب نہ سمجھ سکے. کئی کئی دن حضور کا نہ آنا قدر خلش دیتا ہے. سنتی ہوں حضور نے ایک ہندوستانی لڑکی کو. بیگم، تمہاری باتوں سے حسد کی بو آتی ہے. علی جا، حسد کی نہیں، وفاداری کی بو گئی ہے. بیگم، ہماری نظریں اتنی کمزور نہیں کہ ہم دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکیں. وہ لڑکی دشمنوں سے ساز باز. بیگم، ہم نصیحت سننے نہیں آئے ہیں. لیکن علی جا، میری التجا. وقت بہت کم ہے، ہمیں کوچ کی تیاریاں کرنی ہیں. ایک ہندوستانی عورت کے لیے میری اتنی بے عزتی ہے، دیکھ لوں گی. دیکھتے کیا ہو، کوچ کی تیاری کرو. کہتے ہیں ٹوٹی دریا کی کلائی، زلف الجھے بام میں، مورچہ مخمل میں دیکھا آدمی بادلوں میں. آخر بات کیا ہے؟ امامت دلی آ رہی ہے. کون آ رہی ہے؟ لمڈیا کا داماد آ رہی ہے کیا؟ اما نہیں، نادر شاہ ایران والا دلی آ رہی ہے. نادر دلی آ رہی ہے؟ اما اس کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ ہندوستان میں دلی. مجرا کرو ادب سے، جاں اپنا بادشاہ سلامت. سردار بنگش. علی جا، کیا تم اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتے ہو؟ آخر کیوں؟ جہاں اپنا، میں ہندی تلوار کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے. لیکن کس نے اسے بے آبرو کیا؟ علی جا، یہ پوچھئے کس نے اسے بے آبرو نہیں کیا. کیا یہ دربار اس بات کا ثبوت نہیں کہ ہم نے اپنی تلوار کو زیر کیا، بے آبرو کیا؟ سردار بنگش، علی جا، اس تلوار کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھا دے اور دشمن کو نیست تو نابود کر دے. بدبخت، سیف نادری کے سامنے ہر تلوار کو زمین چاٹنی پڑتی ہے. تو آؤ، سر دربار فیصلہ ہو جائے. سردار بنگش، یہ مہمان ہند ہیں، ان کی توہین. علی جا، آپ کے مہمان جنگ پسند ہیں، امن پسند نہیں. ہم سے طاقت بازمائی کرنا چاہتے ہو؟ بے شک. اے ایران کے نمکدار، اگر تم میں کسی میں بھی ہمت ہے تو اس نشان کو پار کر ادھر آؤ. سمجھ لو کہ یہ دریائے راوی ہے. اگر تم میں سے کسی کا بھی قدم ادھر آ گیا تو سارا ہندوستان تمہارا ہے. ورنہ یہ کہہ دینا کہ ہندوستان میں وفاداروں کی کمی نہیں اور تم غداروں کی راہ سے آئے ہو. سردار بنگش، ہمارا حکم ہے کہ تم تلوار نیام کرو. سردار بنگش، ہمارا حکم ہے کہ تم تلوار نیام کرو. کیا سردار بنگش بھی ہماری بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حکم ادولی پر آبادہ ہے؟ نہیں علی جا، بنگش نمک خار ہے، وہ حکم ادولی نہیں کر سکتا. لیکن وہ ہندوستان سے بھی غداری نہیں کر سکتا.
دیکھنا یہ تھی پناہ فاتح آدم فاتح آدم زندہ فاتح آدم زندہ فاتح آدم زندہ برادر من خوش آمدید Thank you.
एक गुजारिश है, कल ईद है, हमें चांद नजर आ रहा है। हुजूर कल शहंशाह इनसे मुलाकात करेंगे? मुलाकात होगी। तो हुजूर वलीअहद बहादुर के लिए शहजादी सबिया सुल्तान का रिश्ता? बेगम, इससे दो मुल्कों में रिश्ता है मोहब्बत, इत्तेहाद, और फिर हुजूर खुद मालिक मुख्तार हैं। हम सोचेंगे। शहंशाह दिल्ली ने शाही ईरान की दरख्वास्त कबूल कर ली। दरख्वास्त कैसी? अब आलमगीर की पोती सबिहा सुल्तान से शहजादे ईरान की शादी। मुबारक। तुम्हें भी। देखा सरदार, नादर सिपाही। थो, बेईमान, धोखे और दगा से दिल्ली में घुस आए हैं। नहीं नहीं, हिंदुस्तानियों में इतनी हिम्मत कहां कि वो हमारे आदमियों से छेड़छाड़ कर सके। लेकिन आलीजा, शहर का रंग बिगड़ चुका है। बब्बन, ए मियां बब्बन, सुना तुमने? क्या है? सरदार बंगज ने दिखाई तलवार, जमीन लहराई, आसमान कांपा। नादिर शाह की क्या हैसियत, थर्रा उठा। खुदा कसम, तो क्या हमने कभी झूठ बोला है? ए मियां, ये तो बासी है, हटाओ। तो तुम कोई ताजी सुनाओ। तो सुनो, हुआ ये साहब के मोहम्मद शाह रंगीले ने मियां वो हाथ साफ किया, वो हाथ साफ किया कि सब के सब मुंह देखते रह गए। खुदा कसम। हाँ, ए मियां, मेरी किसी ने झूठ बात सुनी है? फिर क्या? छू। खुदा कसम, नहीं मियां। नहीं मियां, मियां तमाम, नादिर का काम तमाम। नादर कुली का काम तमाम हो गया, नादर कुली का काम तमाम हो गया, नादर कुली का काम तमाम हो गया। नादर का मरना खूब हुआ। वो देखो नादर सिपाही, लहजे तो तेरा मेरी खराबी। मर गया नादरी सिपाही, मर गया। जगह जगह हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। ये हिम्मत, ये मजाल, तुम चलो, हम अभी आते हैं। आने जा। हुजूर शहर का हाल देखने जा रहे हैं? हाँ। रात अंधेरी, अजनबी मुल्क। हमें डराना चाहती हो? जी नहीं, साथ चलना चाहती हूँ। हम सियासत में औरत का दखल पसंद नहीं करते। ये बात सियासी नहीं, जाती है। क्या कहना चाहती हो? आली जाने मुझ नाचीस को जो दर्जा बख्शा है उसकी हिफाजत चाहती हूँ। हसीन, बेबाक, चालाक। आगा, अली अकबर से कह दो कि हम शहर का मुआयना सुबह करेंगे। हिंदी बेगम को बाहर जाने मत देना। जो हुक्म आ लीजा। अरे नादिर मर चुका, ये तो उसकी रूह है रूह। आलीजा, वो
कहते हैं कि आप जन्नत नशीन हो। खान, अब्दाली से कहो कि वो शहर में लश्कर खास लेकर घुसे और कत्ले आम जो हुक्म हो आपका। पर नादिर कहर नाजिल हुआ और हम शरबत की तरफ तवज्जो फरमाएं। हटाओ हटाओ इसे। इसमें हमें कम सिन बच्चों का खून नजर आ रहा है। कदरे आराम फरमाएं आली जाए। हम आराम करें? हमारे अमन पसंद शहरी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और हम आराम करें? बूढ़े बेवा और यतीम आवाजारी करें और हम आराम करें? नहीं नहीं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। एतमादुद्दौला, सवारी तैयार करो, हम शहर जाएंगे। नहीं नहीं, जहां पना इस बलवे में आपका शहर जाना दुरुस्त नहीं। क्यों दुरुस्त नहीं? जंग नादिर में हारने वाला मैं हूं, नादिर से सुलह करने वाला मैं हूं, इस बलवे को दिल्ली बुलाने वाला मैं हूं। फिर मैं ही इसके जुल्म का शिकार क्यों ना बनूं? हम जाएंगे। जहां बना हट जाओ हमारे रास्ते से। हम जाएंगे उस जालिम नादिर के पास और उससे ये कहेंगे कि मिटाना है तो हमें मिटा दे, मगर हमारा पूरा मन भाग मत उजाड़। चिल्ली सुबानी, जुल्म और जंग ने अमन व अमान और तहजीब व तमद्दुन को मिटाने की बारहा कोशिश की है लेकिन कभी मिटा ना सका। लेकिन आज मिट रहा है। वो आपकी लपटे देखो, वो दिल दहलाने वाली चीखों पुकार सुनो, ये सब अमन के मिटने की आवाज है। नहीं 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 नहीं, हमें जाना चाहिए। जहां पना शाह ईरान के बजाय उस मालिक दो जहान के हुजूर में इल्तिजा कीजिए। खुदा, मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे दे, मगर मेरी गरीब रियाया को बख्श दे मालिक। आमीन आमीन। बख्श दे मेरे हमवतनों को, बख्श दे मालिक। نمان کے دیگر بطیر ناز خوشی مگر کہ زندہ کنی خلق راو بار خوشی پریش سفیدت بخشیدم تمہاری بزرگی کا لحاظ کیا
माफ किया। अमान رحم فرما شاہ ایران پر تو گنہگاروں کا خدا ہے اعتماد اور اعتبار کے فلک وہ اس محل کی ایک جھونک نہ سنبھال سکے بکھر گئے نہیں علی جا ایمان کی نیو گہری ہے اس نے بہت سے بھونچال دیکھے ہیں وقت کی گرمی سردی اس پر اثر نہیں کر سکتی ہم زبان اور اعمال میں فرق دیکھ رہے ہیں کنیز خودکشی کر سکتی ہے ہم ہندوستانی کنیز و غلام آزاد کر رہے ہیں علی جا تمہیں ہندوستانی ہونے پر ناز ہے نا تم بھی آزاد ہو ہندوستانی عورت آزادی نہیں چاہتی وہ اپنے قاون کی پہلو کی گرفت چاہتی ہے بیگم ہاں علی جا قاون ہندوستانی عورت کا مزاجی خدا ہے ہم ہندوستانی محبت کی باریک دھاگوں میں بندے رہنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن قاون کی جدائی نہیں تمہیں ہمارا مزاج راست نہیں آ رہا نہیں آئے گا محبت میں مزاج کو نہیں جذبات کو دخل ہے علی جا حسین بے باک گستاخ یہ بے گناہوں کا خون ہے ناحق میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ ابا جان کا خدا تلوار ہے اور وہ پشت خون کی ہی دعا کرتے ہیں لیکن پردیسی اب ہمارا کیا ہوگا دلی کے حالات ٹھیک ہوئے تک ہمیں دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا او ہجر کی رات کاٹنے والے کیا کرے گا اگر سحر ہی نہ ہوئی پانو پانو جلدی چلیے حضور نے یاد فرمایا لیکن لیکن کیوں ہماری خطا چوری چھونا اور خطا پوچھنا تو کیا ہمارا راز ہاں حضور آپ کو بہت بڑی سزا دینا چاہتے ہیں آپ کی شادی شادی نفیر نفیر یہ بے وقت کی شہنائی کیسی قلعے میں شادی ہے خداوند شادی ہاں حضور نادر شاہ کے لڑکے اور شہزادی صبیہ سلطان عالمگیر کی پوتی اور حضور وزیر اطاعت دولہ تشریف لے آ رہے ہیں اعتماد الدولہ روکو روکو یہ شادی نہیں دلی کی بربادی ہے اسے روکو ناممکن ہے سعادت خان ناممکن تم وزیر ملک ہو رعایا کی جان و مال کے محافظ قلعے اور شہر پر نادر شاہ کا قبضہ ہے حضور ہم سب سے ناراض ہیں اعلیٰ حضرت خفا ہیں ہاں نادر شاہ نے عالم پناہ سے کہا کہ وہ خود نہیں آیا بلایا گیا ہے بلایا گیا ہے نہیں نہیں وہ خود آیا ہے وہ مشرقی ملکوں کی نظر میں ہندوستان کی عزت گھٹانا چاہتا ہے یہ لوٹ یہ قتل عام سب اسی نظریے کے تحت ہیں میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت آپ کو باریابی کی اجازت نہیں دیں گے تو کیا شہنشاہ میرا شمار بھی نمک حراموں میں یہ غلط ہے مجھے یقین ہے لیکن ابھی حضور والا سے کہنا غلط ہے
सेहत ठीक हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज नसीर, एतमादुद्दौला को। बेहतर है हुजूर। खुदा हाफिज। ठीक हो जाएगा शीशे में बाल आने के बाद। बेइज्जती की जिंदगी से मौत बेहतर है। तू तो जानता ही है कि मैंने वतन के साथ गद्दारी नहीं की, फिर भी तू गद्दार है। हम भी पगड़ी बदल भाई बन जाए। बिरादरेमन आओ, इस खुशी के मौके पर हम भी पगड़ी बदल भाई बन जाए। वालों का दिल नोचा है, दिल लूट का बहाना है, समझी? नया तर्क है। नोशा भाई सूरह इखलास पढ़िए, पहला जलवा है। बानो अब तो आंखें खोलो, अताइद व गुलामी का करार तो हो चुका। नौशा को बाहर भेजो, दुल्हन को तैयार करना है। चलिए पिया
شاہ ایران کا مراسلہ آداب و القاب نظر انداز کر کے با آواز بلند پڑھا جائے عالی جاہ شاہ ایران تحریر فرماتے ہیں برادر من وطن کے غداروں سے بچو آپس کی پھوٹ ہندوستان کو کمزور کر رہی ہے اتفاق پیدا کرو پھر کوئی بھی اس بہادر ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے اتفاق کاش ہندوستان کی سب قومیں مل جل کر رہنے کی عادی ہو جائیں دوستو دلی کا قتل عام ایک خوفناک بربادی تھا ماں سے بچے چھین کر چھلنی کر دیے گئے ان کے سر قلم کر دیے گئے ماں باپ کے سامنے نہتے و بے کس جوان قتل کر دیے گئے عورتوں کی عزت و آبرو کنوؤں کی گہرائی اور آگ کے شعلوں نے بچائی یا وہ بھی پارا پارا کر کے رہ گئی ایک لاکھ پچاس ہزار بے کش شہریوں کے خون کا دریا بہایا گیا ہمیں غم اس بات کا نہیں کہ مغلوں کی ساکھ برباد ہو گئی ہے ہمیں تو غم اس بات کا ہے کہ ایک دغا باز دشمن ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری تہذیب و تمدن ہماری دولت ہماری شہرت و عزت کو لوٹنے پر کامیاب ہو رہا ہے اور ہم یہاں خاموش بیٹھے ہیں اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کیا بازوؤں میں طاقت نہیں جنگ جسمانی طاقت سے نہیں ہتھیاروں سے ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں وہ دل تو ہے جس میں مادر وطن کا پیار ہے وطن کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو آؤ آگے بڑھو قدم سے قدم ملاؤ اور دشمن کے منصوبے کو غارت کر دو وطن کی محبت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ عزت دولت سے نہیں ہمت سے بچائی جاتی ہے جس طرح ایک ایک قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے اس طرح ہم سب مل کر ایک لشکر تیار کریں گے اگر تم اپنی ماں کی آبرو بہن کی عصمت بیوی کا سواد بچانے کے ناقابل ہو تو گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ نہیں تو آؤ میرا ساتھ توپ اور بندوقوں میں تبدیل ہو کر دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے آج رات نادر کو ٹھکانے لگا دو بہت ہوشیاری سے اگر وار خالی گیا تو یاد رکھو
जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत बेहतर, आप बेफिक्र रहिए। हमारा तर्ज जिंदगी आपको पसंद ना आया होगा। पसंद। और हम ना पसंद। देखिए ना, दौराने सफर कई दिन से आपने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ये भी कोई पसंद करने की बात है? एकदम नहीं, लेकिन आप हुजूर का मिजाज जानती हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैं ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारता हूं तो क्या होगा? तो बस तूफान ही आ जाएगा। ये लंबा पहाड़ी सफर और दिन रात की दौड़ धूप ने आपको परेशान कर दिया होगा। इस परेशानी में तो मेरी जिंदगी की खुशियां छुपी हुई हैं। मुगलिया खानदान की नाज़ नियामत से पली हुई शहजादी, जिसने कभी नंगी जमीन पर पांव भी ना रखा होगा, उसके लिए इतनी तकलीफ? तकलीफ और मुसीबत तो मोहब्बत का जेवर है। तो और जेवर पहन लीजिए, सिर्फ चंद दिनों की बात है, ईरान पहुंचते ही अपनी जन्नत अलग आबाद कर लेंगे। निसार और बहादुर से भाई भेजे हैं, वो नादिर का काम तमाम करके ही लौटेंगे। तुम खुद क्यों नहीं गए? जाओ और जाकर उनकी मदद करो। बहुत बेहतर। न पाए, बांध दो इसे। जान बचाई, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मैंने अपना फर्ज अदा किया है आलीजा। कोई है? Thank you.
इतनी हिम्मत हो सकती है जो हम पर हमला करे? अली जा, आप पर हमला, ये तो खत्म हो गया। अली अकबर, तुम इन पत्कारों को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। ऐसे ही होगा अली जा। शाह ईरान को कत्ल करने नहीं आए? नहीं, नाकाम मोहब्बत ने जज्बा इंतकाम को तरगीब दी और मैं अपनी महबूबा को कत्ल करने। कौन है तुम्हारी महबूबा? शहजादी सबिया सुल्तान। गजब हो गया, नादिर बच गया और शहजादे को हमारी साजिश का पता चल गया। उसको किसने बताया? वो खैमे के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने उसे जख्मी कर दिया है। हमारे बहादुर सिपाही उसे नादिर के खैमे तक नहीं पहुँचने देंगे। जल्दी करो, यहाँ से भाग चले। नहीं, अब भागने का वक्त नहीं, ठहरो, मैं एक चाल चलती हूं। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा होगा? तुम्हारा बयान तुम्हें मौत की तरफ धकेल सकता है। मौत? मुझे मौत की कोई परवाह नहीं। हमारा कहना मानो तो तुम्हारी जान बच सकती है और दौलत के साथ तुम्हें सबिया सुल्ताना भी बख्श दी जाएगी। मैं सबिया सुल्ताना के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वादा करते हो? वादा। तो तुम कल सुबह शाह के हजूर में ये बयान दे दो कि तुम शहजादे के हुक्म से शाह को कत्ल करने आए थे। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा? वलीअहद को सजाए मौत और तुमको तुम्हारे दिल की मुराद मिल जाएगी। मुझे मंजूर है। बेगम, शाह की जान खतरे में, मुझे जल्द जाकर उन्हें आगाह करना चाहिए। ओ, नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या गुस्ताखी है? अब्बा हुजूर को किसी ने जरूर बहकाया होगा। हुजूर, शाही तलवार इनायत फरमाए, हमें हुक्म है। तशरीफ ले चले। शबनम, शबनम, ये सब क्या हो रहा है? हमें ये उम्मीद नहीं कि तुम हमारी पितरा मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगे और हमारी उम्र को नेस्त नाबूद कर। लेकिन तुमने वो किया जो एक जलील दुश्मन भी नहीं करेगा। तुमने हमें कत्ल करने की साजिश की। अब्बा हुजूर, मैंने साजिश नहीं की, बल्कि आपके वफादार वजीर और बड़ी बेगम साहिबा ने आपके खिलाफ। ये तो बहतान है। अपना इल्जाम दूसरों पर लगाना चाहते हो? गुनाह करके हमें बेवकूफ बनाना चाहते हो? अब्बा हुजूर, मैं सच कहता हूँ, मुझ पर ये सब इल्जाम झूठा है। झूठा है? अली अकबर, लबादा उठाओ और इस हैवान मुतलक को शहजादे के हुजूर में पेश करो। पहचानते हो? हाँ अब्बा हुजूर। कहाँ मुलाकात हुई थी? दिल्ली में। और वहीं तुमने इससे मिलकर साजिश की? गलत है। इस नाहिंजार ने तो कई मरतबा मेरी जान लेने की कोशिश की। वजह? नहीं जानता। जानते नहीं या बताना नहीं चाहते? गोया आपको मेरी बात का यकीन नहीं। ना हलफ, तुमने हमारी इनायत का नाजायज फायदा उठाकर इश्क मोहब्बत का खेल खेला। हमने जवानी का जुनून समझ के माफ कर दिया, लेकिन अब जबकि तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश हो चुका हो तो हम तुमको मालिक के वक्त है। बेगुनाह को भी सजा दे सकते हैं, लेकिन अदल और इंसाफ का गला घोंट कर। हम बहस नहीं, बयान चाहते हैं। अब्बा हुजूर, मैं बयान दे चुका, मैं बेगुनाह हूँ। अली अकबर, इस लुकमाए अजल से कहो कि बयान दोहराए। अली जा,
मैदान इश्क में वली अहद बहादुर और मैं। नजस कुत्ते, खामोश हो जा वरना बयान जारी रहे। आलीजा, किस्मत ने वली अहद बहादुर का साथ दिया और मैं हार गया, लेकिन वली अहद बहादुर ने मुझसे वायदा फरमाया कि अगर मैं शाह ईरान को सिकंदर आजम की तरह रास्ते ही में खत्म कर दूं, तो मेरे दिल की मुराद मुझे बख्श दी जाएगी। बकवास, बिल्कुल बकवास। बयान जारी रहे। आलीजा, मैं कमजोर और नाकारा आशिक शहजादे के फरेब में आ गया और एक एक लफ्ज झूठ। मुलाकात का सबूत ये है आलीजा, निशाने खास। ये निशान कोटला की क्यामगाह से दिल्ली की फौज के हाथ लगा था। खान, हम सदाकत पसंद हैं, सजा दे सकते हैं तो रहम भी कर सकते हैं। रहम? मैं रहम का मोहताज नहीं, इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ? इंसाफ अमीर और गरीब, महल और झोपड़ी, शहजादा और गुलाम में तमीज नहीं करता। शाह अपने फेलो हरकात से कालिफ नहीं, वो इंसाफ की आड़ में इंसाफ का खून। गुस्ताख, खुद सर नंगे खानदान, तुम्हारे तर्ज कलाम से बगावत की बुआ थी। जवानी बगावत का दूसरा निशान और जवान मर्दी बगावत का दूसरा नाम है आलीजा। ये साबित हो चुका है तुम मुजरिम हो। ये भी साबित हो चुका कि आप शक्की हैं, जालिम हैं। तुम्हारे जैसे सरकश की सजा मौत, मैं जानता हूँ। मौत से भी बढ़कर। अली अकबर, इन बागियों पर कड़ा पहरा रखो और गुरूब आफ्ताब के साथ साथ शहजादी की आंखों में गर्म सलाखें भोंक दी जाएं। आलीजा, हुक्म की तामील हो। ये है नादरी इंसाफ। न कि सिर्फ शहजादे के इल्जाम बगावत से बचे, बल्कि हमारे दोनों दुश्मन भी रास्ते से साफ हो गए। वक्त मुआफिक है, सितारे हमारा साथ दे रहे हैं। इस वक्त जिस काम में हाथ डालेंगे फतह होगी। आज रात बादशाह का भी काम तमाम। कौन था? कोई नहीं, मुश्किल ये है, शाह के जानिसार और खास सिपाही खबरदार हो चुके हैं और वो तमाम उनको इस बहाने कि शायद वो शहजादे की तरफदारी में बगावत न कर बैठे बाहर भिजवा दो। लेकिन शायद शाह, जो एक दफा बेवकूफ बन सकता है उसे दोबारा भी बनाया जा सकता है। जाओ। जुल्म, बेटे पर झूठे इल्जाम की ये सजा, क्या यही है नादरी इंसाफ? मलिका आलिया, मेरा इनाम। ओह, तुम, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। नजीस कुत्ते, तुम्हारे जैसे जलील इंसान के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही इनाम है, मौत। मौत? सिपाहियों, ले जाओ इसे और कत्ल कर दो। एहसान फरामोश औरत, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई और उसका मुझे ये बदला दे रही हो? देखते क्या हो, ले जाओ। तुम पर खुदा का कहर, तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। जानती हूँ वो बेगुनाह है, लेकिन लेकिन शाह से कहने की जरूरत नहीं होती। आप उनकी चहती और दिल लगती बेगम है, वो आपका कहा जरूर मानेंगे। हिम्मत से काम लो, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। माना कि आप शहजादे की सगी माँ नहीं हैं, लेकिन लेकिन एक माँ का एहसास तो है आपके दिल में। मुझे अपने फर्ज का पूरा एहसास है। लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया तो हम उन बागियों को अभी। आलीजा, मौका नाजुक है, हम गैर मुल्क में हैं, खाना जंगी से जीती हुई बाजी उलट भी सकती है। गद्दार, फिर क्या किया जाए? तो आज ही कजल बादशाह को दस्ते को सिंध के उस पार रवाना होने का हुक्म दिया जाए आलीजा। और सूरज गुरूब होने तक हम यहीं ठहरेंगे,
हम ये देखना चाहते हैं कि शहजादे की सिफारिश के लिए कौन आता है। जाओ अभी और इसी वक्त कतलबाशों को सिंध पार के लिए रवाना करो। जो हुक्म आली जा। शाह का मुहाफिज दस्ता सिंध पार जा रहा है बेगम। तो क्या हुजूर भी? जी नहीं, हुजूर शाही खेमे में। मेरे जानिसार और वफादार सिपाहियों को भी बरगला दिया, इतना चालाक। हाँ खुदावंद, सिफारिश लेकर आई हो? रहम की दरख्वास्त। रहम बेकस और बेबस पर किया जाता है, बागी पर नहीं। शहजादा बागी नहीं, वो आपका फर्जंद है। वो हिर्स और हवस का पुतला है, हमारे तख्त ताज पर उसकी नजर है। आलीजा, एक मौका और दीजिए। नादरी हुक्म बदला नहीं जाता। आपके कदमों का सदका। मलेका, बागी की तरफदारी तो तुम इस तरह कर रही हो कि गोया वो तुम्हारा कोई। आलीजा, आप बाप होकर भी बादशाह रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं मलिका के बजाय माँ कहलाना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम जिसकी मां बन रही हो वो एक जहरीला सांप है, उसकी तरफदारी मत करो। बदल दीजिए आलम पना, अपना हुक्म बदल दीजिए। मुझ पर न सही, उसकी दुल्हन के मेहंदी भरे हाथों पर ही तरस खाइए। हुक्म नादरी तब्दील नहीं होगा। लेकिन नादिर शाही कब तक? जब तक तलवार में धार और बाजुओं में कुव्वत है। जाओ मलिका, तुम जाओ, जल्लाद मेरे इशारे के मुंतजर है। रहे मालूम पना रहे। जाओ मलिका। इशारे के मुंतजर रहो, समझे? जी हाँ। अब आप आराम फरमाएं। आज हम आराम नहीं करेंगे। सियासत की उलझने दरबार तक ही रहनी चाहिए, हरम में इनका क्या काम? वही रहने दो इन्हें। जो होगी। Thank you.
हैं क्या? देखो देखो अभी गजल बादशाह का दस्ता अभी दूर नहीं गया होगा। वो लोग अगले पड़ाव में पहुंच गए मलकयाली। शाह की जान खतरे में है, तुम जल्दी जाओ और मुहाफिज दस्ता अपने साथ जल्दी वापस ले आओ। क्यों मलकयाली? जल्दी। दिलो आगे बढ़ो और इस जुनूनी शाह को खत्म कर दो, वरना यह खूनी भेड़िया तुम सबकी सिक्का बोटी कर देगा। सब एक साथ वार करो। इंसानियत ने सबसे पहले जन्म लिया, जो तहजीब व तमद्दन इल्म व फनून का गवाहरा बना, शुजात व बहादुरी का अलमबरदार हुआ। यहां की दौलत गैरों को हमेशा खटकी, इसलिए उनकी निगाह में खार बना। यहां मुल्क की आजादी के परवाने भी पैदा हुए तो आस्तीन के सांपों ने भी इसी मुकद्दस जमीन को नापाक किया, बर्बाद किया, ताराज किया। इसी जमीन से पैदा होने वाले इन गद्दारों ने आजादी की पीठ में छुरा घोंपा, मगर तारीख के इंतकाम से कोई जाबिर, जालिम और गासिब बच न सका।